Long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कैम्ब्रिज से पढ़े हुए नेहरू, लेखक नेहरू, वकील नेहरू व स्वतंत्रता सेनानी नेहरू व परम आदरणीय महात्मा गांधी जी की विरासत व विचारधारा दोनों को आगे ले जाने वाले नेहरू, और वैसे तो नेहरू को गुजरे कुछ 50 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया है, पर आज भी चर्चा का विषय नेहरू। नमस्कार, मैं हूँ देवाशीष उपाध्याय और एक दफा फिर सभी का अभिनंदन प्रेस्टीज मीडिया की खास सीरीज किस्से कहानी में। राजनीतिक चर्चा है, किस्से तो बहुत है नेहरू के, पर आज विशेष तौर पर बात करेंगे उनसे जुड़ी हुई कुछ व्यक्तिगत उपकथाओं की। तो बात करते हैं उनके कारागार यानी कि जेल के किस्से की। पंडित नेहरू अपने जीवन काल में करीबन 9 दफा जेल गए और इस समय का उन्होंने पूरा सदुपयोग करा अपने शब्दों को आकार देकर यानी कि किताबें लिखकर, और आविष्कार करा भारत की एक बहुत सुंदर धरोहर का और उसे नाम दिया द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह किताब लोग आज भी पूरी उत्सुकता के साथ पढ़ते हैं। इस किताब के साथ दो अन्य किताबें भी हैं जिनको बहुत प्रसिद्धि मिली, जिसमें एन ऑटोबायोग्राफी और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री शामिल है। फिर एक किस्सा 1953 का बड़ा प्रसिद्ध होता है। मौका था पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद अली के भारत दौरे का। जैसे ही उनका हवाई जहाज दिल्ली स्थित हवाई अड्डे पर पहुंचता है, वैसे ही उन्हें कुछ पत्रकारों द्वारा घेर लिया जाता है। फिर भीड़ भी बेकाबू हो जाती है। इस अनुशासनहीनता को देख कर पंडित नेहरू इतने क्रोधित होते हैं कि वहां पे रखे एक गुलदस्ते को उठाकर वे खुद ही भीड़ के पीछे दौड़ने लगते हैं। जिसने भी यह दृश्य देखा वह स्तब्ध रह गया था। फिर एक किस्सा 1951 का बड़ा प्रसिद्ध होता है। उस वक्त लोकसभा की बैठक कुछ देर तक चल गई थी और इसी कारणवश लोकसभा सचिवालय ने माननीय सांसद गणों के लिए भोजन की व्यवस्था करी। सांसद गणों ने चिकन खाकर उसकी हड्डियां वहीं कहीं फेंक दी। यह देख पंडित नेहरू अपनी मेज से उठते हैं और खुद जाकर उन हड्डियों को बीनने लगते हैं। यह जिसने भी देखा वह आश्चर्य में पड़ गया था। यह दिखाता है नेहरू की सादगी। फिर पंडित नेहरू के विनयपूर्ण स्वभाव का एक यह भी किस्सा है कि एक दफा जब पंडित नेहरू त्रिमूर्ति भवन से प्रधानमंत्री निवास जा रहे थे, उस समय उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। यह जब एक मामूली टैक्सी ड्राइवर देखता है तो वो तुरंत प्रधानमंत्री के पास जाता है, प्रधानमंत्री नेहरू के पास जाता है और उनसे पूछता है कि प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप मेरी गाड़ी में बैठेंगे। नेहरू जवाब में मुस्कुराते हैं और उस टैक्सी ड्राइवर के साथ उनकी टैक्सी में बैठ के सीधे अपने कार्यालय चले जाते हैं बिना सिक्योरिटी की फिक्र करे। यह सुंदरता थी उनके व्यक्तित्व में। ऐसे ही एक दफा राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री निवास तक एक नाई बाल काटने आया करते थे। जब पंडित नेहरू ने नाई से पूछा कि हम लंदन जा रहे हैं, बोलो तुम्हारे लिए क्या लेकर आए, पहले नाई ने शर्माते हुए कुछ नहीं कहा, पर फिर जब पंडित नेहरू ने उन पर दबाव डाला तो नाई ने झिझकते हुए कहा कि घड़ी ना होने के कारण राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री निवास आने में देर हो जाती है। फिर जैसे ही पंडित नेहरू लंदन से वापस आए, सबसे पहले उन्होंने उस नाई को बुलाया और जो वो साथ में घड़ी लाए थे वो उस नाई को दी। यह उस नाई के लिए भी एक अभूतपूर्व घटना थी। नेहरू एक शानदार वक्ता थे और यही कारण है कि आज भी उनके कई भाषण अविस्मरणीय हैं, जिनमें से एक ट्विस्ट विद डेस्टिनी है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसे ही पढ़ के भारत की आज़ादी की घोषणा पंडित नेहरू ने करी थी। फिर एक किस्सा यह भी बड़ा अनकहासा है कि पंडित नेहरू के कहने पर ही टाटा ने लैक्मे ब्यूटी प्रोडक्ट का आविष्कार किया था। कारण यह था कि नेहरू इस बात से चिंतित रहते थे कि जो भारतीय मूल की विशेषकर महिलाएं हैं वे इन
प्रोडक्ट्स पर विदेशी मुद्रा बड़ी खर्च करती है, तो बस यही कारण था उन्होंने उस वक्त के उद्योगपति टाटा से कहा, और इसी कारणवश लैक्मे ब्यूटी प्रोडक्ट भारतीय बाजार में आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आखिरी इच्छा पर कहा है कि उनकी अस्थियों का एक भाग गंगा में बहा दिया जाए, जिससे आगे चलकर वे उस महासागर में जाके मिल जाए जिसने हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर के रखा है, वह दूसरा हिस्सा उन खेतों में जाके बिखेर दिया जाए जहां पर भारत का कर्मठ किसान मेहनत करता है। तो पंडित नेहरू एक उत्कृष्ट उदाहरण है दूरदृष्टि के, वह आज के युग की राजनीति के लिए वे एक बहुत सुंदर प्रेरणा है, वह आज के पीढ़ी के लोग उनसे उनके नेतृत्व करने की क्षमता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस किस्से कहानी को यहीं विराम देते हैं, पर तब तक के लिए अविरत रूप से जुड़े रहिए प्रेस्टीज मीडिया के साथ। सभी का बहुत धन्यवाद।